हेलो छात्रों, आज आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल, जैसे अलग अलग समय पे वैज्ञानिकों ने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए हैं, उनमें जो है सबसे पहला जो परमाणु मॉडल जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ये जो है मॉडल जो है जे.जे. जॉनसन नाम के वैज्ञानिक 1904 में प्रस्तुत किए थे। इस मॉडल की जो है रूपरेखा देखा जाए तो जैसे कि जो है गोलाकार जो परमाणु होता है और उसके अंदर जो है धनावेश और ऋणावेश समान रूप से पाए जाते हैं थॉमसन के अनुसार। तो थॉमसन कहे थे कि परमाणु गोलाकार अति शुष्क विद्युत उदासीन कण है जिसके बीच में जो है धनावेशित कण और ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। धनावेशित द्रव्य के बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसी तरह से पाया जाता है जैसे तरबूज के बीच में बीज पाए जाते हैं। इसी कारण से टॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे किसी तरबूज का काट करके तो उसके बीच में जो बीज दिखाई देते हैं काले रंग के, तो टॉमसन ने उन बीजों को किसकी संख्या दी, ये इलेक्ट्रॉन है और जो लाल रंग का जो द्रव्य है वो क्या है, प्रोटॉन है। अर्थात धनावेशित द्रव्य के मध्य में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिछेने रहते हैं, फैले रहते हैं। इसी कारण जो है थॉमसन ने इस परमाणु मॉडल को जो है तरबूज का मॉडल नाम दिया। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है मॉडल, इसमें जो रदरफोर्ड का मॉडल है, तो रदरफोर्ड ने ही जो है थॉमसन के परमाणु मॉडल को गलत सिद्ध कर दिया कि नहीं, परमाणु इस तरह से व्यवस्थित नहीं होता है। तो सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने अल्फा कणों का प्रक्रिया किया परमाणु के ऊपर और उसके अध्ययन से जो है निम्न निष्कर्ष निकाले। जैसे इसमें कहा कि फर्स्ट पॉइंट में परमाणु जो है गोलाकार अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है, गोलाकार होता है, छोटा होता है और उदासीनता होती है इसके अंदर, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव, तो धनावेश और ऋणावेश से दोनों से बना है तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर उसके बाद समस्त धनावेश केंद्र में स्थित होता है, अर्थात जो है इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर जो है धनावेश होता है। नाभिक का आयतन की तुलना करें परमाणु से तो नाभिक का आयतन जो है बहुत सूक्ष्म होता है जबकि परमाणु का आयतन जो है अधिक होता है। फिर उसके बाद परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षा के बाहर पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन होते हैं और उन कक्षाओं के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इसके बाद चौथी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम जो है कक्षाएं या ऑर्बिट्स कहते हैं या कक्षक कहते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ति कक्षा में घूमते हैं, मतलब जो है गोलाकार जो है पथ होता है उसी में जो है नाभिक के चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। परमाणु का नाभिक धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर धनावेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर ऋणावेश होता है। धनावेश ऋणावेश आपस में जो एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते रहते हैं, इसी कारण से जो है नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक को अपनी तरफ खींचता है। इस बल को जो है अपकेंद्र बल या नाभिक में जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है, अर्थात तो उसको पलायन करने से रोकता है। ये जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल है, इसमें जो है इसमें भी कुछ कमियां आएंगी जो बाद में जो है इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो ये कह दिया कि परमाणु जो है गोलाकार होता है, लेकिन जो है अगले वैज्ञानिक इसको प्रूव करेंगे कि गोलाकार नहीं, ये दीर्घवृत्ताकार होता है। आज की वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को प्रूव किया जाएगा। धन्यवाद।